हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष। और फ्रेंड्स आज हमारे साथ है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइडिंग मोड्स। यहां फ्रेंड्स पहले ये बाइक आपको 164V के हिसाब से मिला करती थी और 2021 के शुरुआत में आपने देखा था कि ये बाइक एचवी वर्जन के हिसाब से आ रही थी और इसको अब और अपग्रेड कर दिया गया है और ये अब आपको राइडिंग मोड्स के साथ मिल रही है। जी हां फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V विद राइडिंग मोड्स का एक डिटेल रिव्यू शेयर करने की कोशिश करूंगा, बताने की कोशिश करूंगा कि कितने प्राइस पॉइंट पर यह बाइक आपको मिल सकती है, क्या फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ ये बाइक आपको कंपनी ऑफर कर रही है, कितना माइलेज आप इस बाइक के साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्योंकि ये एचपी वर्जन का एक अपग्रेडेड मॉडल है तो क्या सारी चेंजेस आपको इस बाइक में देखने को मिलेगी, इन सारी चीजों के बारे में फ्रेंड्स आज इस वीडियो के दौरान मैं आप लोगों को एक डिटेल में डिस्कशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। और फ्रेंड्स वीडियो के एंड में आप लोगों को यह भी बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप इस बाइक को इसके टॉप कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या आपके लिए टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V ये जो मॉडल है, आप कह सकते हैं राइडिंग मोड्स वाली मॉडल, ये वाली क्या आपके लिए खरीदना सही होगा या नहीं। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले अ वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक एंड हेल्पिंग मी आउट इन दिस रिव्यू प्रोसेस। अगर आप वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर में रहते हैं और कोई भी टीवीएस की बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप बिल्कुल राहुल टीवीएस कृष्णनगर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख रही होगी। और फ्रेंड्स मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। साथ ही अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू एनी टू व्हीलर्स तो आप मुझसे बिल्कुल फेसबुक या इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। आईडी आपको अभी आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। मैं पूरी कोशिश करता हूं आपकी जितनी भी क्वेरीज होती हैं मैं उनको आंसर कर सकूं। तो चलिए फ्रेंड्स रिव्यू शुरू करते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. तो चलिए फ्रेंड्स वॉक अराउंड स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V आरएम मतलब ये जो राइडिंग मोड्स वाली ये जो वर्जन अभी कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया हुआ है इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाता है। जी हां फ्रेंड्स आप लोगों को बता दूं, उसमें आपको एक वेरिएंट मिलता है जो कि स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड वेरिएंट में भी आपको फ्रेंड्स डिस्क और ड्रम दोनों में मिल जाता है और एक जो वेरिएंट आ रही है वो है स्पेशल एडिशन। जी हां फ्रेंड्स वो भी आपको ड्रम और डिस्क दोनों वेरिएंट में मिल जाता है। तो ये जो फ्रेंड्स आप अभी ये जो वेरिएंट देख पा रहे हैं ये है टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V आरएम स्टैंडर्ड वर्जन। जी हाँ फ्रेंड्स, और कलर्स के बारे में अगर बात की जाए फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड वर्जन में आपको पहले की तरह तीन ही कलर एडिशन मिलती है। ये जो कलर आप देख रहे हैं ये है रेसिंग रेड कलर, लेकिन यहाँ पर आपको दो और कलर वर्जन मिल जाती है जो कि है नाइट ब्लैक एंड मेटालिक ब्लू। जी हाँ फ्रेंड्स, तो सबसे पहले कलर का मैं आप लोगों को 360 एक व्यू देना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कलर के बारे में एक बेहतर आइडिया मिल सके। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप टैंक में देखेंगे तो ये देखिए ग्लॉसी रेड में आपको ये टैंक मिल जाता है विद दिस व्हाइट स्ट्रिप। यहाँ पर रेसिंग स्पॉट ग्राफिक्स आपको मिल जाता है, बिल्कुल बताया गया कि कैसे आप लोगों को देखने में लग रही है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ टैंक में 3D लोगो आप लोगों को दिख जाता है टीवीएस का ब्लैक कलर में, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। और ठीक अगर टैंक के नीचे अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर भी रेक्स इंस्पायर ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाता है। आप देख सकते हैं इंजन को ब्लैकआउट कर दिया गया है टीवीएस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रांडिंग की गई है। और वैसे ही फ्रेंड्स अगर सामने में आ जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड कलर में आपको मडगार्ड मिल जाती है, टीवीएस रेसिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स ये जो हेडलाइट है इसमें चेंजेस की गई है, क्या सारी चेंजेस है फ्रेंड्स आगे इसके बारे में बात करेंगे रिव्यू के दौरान। और फ्रेंड्स वही अगर मैं इसके लेफ्ट में आ जाता हूँ आप देख सकते हैं रेड टैंक है, ग्लॉसी रेड में टैंक दिया गया है, 3D लोगो है यहाँ पर और रेसिंग स्पॉट ग्राफिक्स यहाँ पर भी दिया गया है, इंजन को ब्लैकआउट कर दिया गया। और अगर आप इंजन काउल पे देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं RTFI लिखा गया, रेस्ट फ्यूल इंजेक्शन, और नीचे अगर आप देखते हैं तो यहां पर हाइपरएज लिखा गया। और वही फ्रेंड्स अगर यहां पर आप साइड पैनल में देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अपाचे यहां पर लिखा गया सिल्वर कलर में, यहां पर ये दिया गया है। और वहीं अगर रियर पैनल में देखते हैं फ्रेंड्स तो RTR 164 भी यहां पर लिखी गई है और ये बैकमैन टाइप यहां पर ये जो ग्रैब रेल है ये तो देखने में खास है ही। और साथ ही फ्रेंड्स अगर राइट साइड में नीचे यहां देखा जाए तो ये जो एक मशीन गन जैसे यहां पर आप देख सकते हैं ये जो एग्जॉस्ट दी गई है ये ब्लैक कलर में दिया गया है। तो ये फ्रेंड्स कलर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो बिल्कुल बताइएगा फ्रेंड्स ये रेड कलर आप लोगों को देखने में कैसी लग रही है। और चलिए फ्रेंड्स अब प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये स्टैंडर्ड वर्जन दो वेरिएंट में आती है, एक है डिस्क एक है ड्रम। मैं आप लोगों को बता दूं वेस्ट बंगाल कोलकाता के हिसाब से अगर मैं इसका आप लोगों को एक अप्रॉक्स एक अगर ऑन रोड प्राइस बताऊं फॉर दिस डिस्क वेरिएंट तो आप लोगों को 141,000 तक पे करना हो सकता है। वहीं अगर आप इसका जो ड्रम वेरिएंट उसको ऑप्ट करते हैं तो आपको अराउंड 139,000 तक अप्रॉक्स एक ऑन रोड प्राइस पे करना हो सकता है। फ्रेंड्स आप लोगों को जो इसका जो अप्रॉक्स जो एक शोरूम प्राइस है वो आप लोगों को अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कलर और प्राइस के बारे में पूरी तरीके से बता दिया है। और चलिए अब बात करते हैं कि इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है। अगर डिफरेंस के बारे में बात की जाए फ्रेंड्स तो आपको तीन की डिफरेंसेस में दिखेगी। सबसे पहले मैं इसका जो की है उसको ऑन करना चाहूंगा। की जैसे मैं ऑन कर रहा हूं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहां पर ये जो DRL है ये डिफरेंट है, काम कैसे कर रही है आगे इसके बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट जो चेंज आपको इसमें DRL में दिख जाती है और सेकंड चेंज जो आपको दिखता है फ्रेंड्स वो है राइडिंग मोड्स। यहाँ फ्रेंड्स पहले 164V राइडिंग मोड्स के साथ नहीं आया करती थी, अभी ये राइडिंग मोड्स के साथ आ रही है जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। और अगर थर्ड चेंज के बारे में बताऊँ फ्रेंड्स तो वो आ जाता है इसका जो
पिछला टायर है, पहले ये रेडियल नहीं हुआ करती थी, अब ये रेडियल है। तो फ्रेंड्स ये तीन जो की डिफरेंसेस है वो आपको ये स्टैंडर्ड वर्जन में मिल जाती है। फ्रेंड्स अगर स्पेशल वर्जन की बात की जाए तो उसमें और भी बहुत सारी चेंजेस है फ्रेंड्स, उसके बारे में एक रिव्यू मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। लेकिन चलिए अभी के लिए ये जो स्टैंडर्ड वर्जन उसके बारे में आप लोगों को पूरी तरीके से डिटेल में रिव्यू देना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को कलर प्राइस और डिफरेंसेस के बारे में बता दिया है, और चलिए अब इसकी जो वॉक अराउंड है उसको स्टार्ट करते हैं। इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के साथ फ्रंट व्यू से। फ्रेंड्स अगर इसमें एक की ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये जो DRL है ये जलना शुरू हो जाता है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ तो छोटी सी यहाँ पर आप देख सकते हैं ये TVS की ब्रांडिंग भी यहाँ पर दिख जाती है। और साथ ही फ्रेंड्स कैसा लग रहा है आपको ये DRL बिल्कुल बताइएगा। पहले ये DRL यहाँ पर हुआ करती थी तो अभी यहाँ पर आ रही है। अगर मुझसे पूछेंगे फ्रेंड्स, मतलब पर्सनली मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा पहले की जो यहाँ पर DRL जाती थी वो मुझे ज़्यादा मतलब बेहतर लग रही है इससे। आप लोग मुझे बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को क्या बेहतर लग रहा है, ये वाला मतलब अभी का जो DRL ये लग रहा है या फिर पहले जो इस साइड में यहां पर दिया जाता था वो आप लोगों को बेहतर लग रहा है, बिल्कुल बताएगा। आप लोग देख सकते हैं यहां पर ट्राई कलर का हल्का सा टच दिया गया है। और फ्रेंड्स ये तो रहा इसका हेडलाइट, और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इसकी टायर्स के बारे में। जी हां फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं मतलब हाल ही में जो रेडर लॉन्च हुई थी वहां पर भी रेमोरा का टायर यूज किया गया था, यहां पर भी आपको TVS की ट्यूबलेस टायर मिल रही है जो कि रेमोरा की है। मतलब आप समझ सकते हैं TVS ही अपनी टायर खुद प्रोड्यूस करती है, टायर की कंपनी है रेमोरा। और वहीं फ्रेंड्स अगर इसमें मतलब सेक्शन की बात की जाए आपको 90x90 सेक्शन के टायर यहां पर मिल जाती है, और जहां तक बात है अलॉय व्हील की तो यहां पर आपको 17 इंच की अलॉय व्हील मिल जाती है। ट्यूबलेस है फ्रेंड्स टायर, मैं आप लोगों को दोबारा बताना चाहूंगा। और फ्रेंड्स जहां तक बात है ब्रेकिंग सिस्टम का तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर आपको सिंगल चैनल ABS या फिर आप कह सकते हैं आपको सुपर मोटो ABS मिल जाता है। जी हां फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहां पर सुपर मोटो ABS का यहां पर जिक्र किया गया है। फ्रेंड्स सिंगल चैनल ABS और सुपर मोटो ABS में बहुत ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, आप समझ सकते हैं जो आपका जो रियर टायर है उसमें ABS नहीं है, सिर्फ फ्रंट टायर में जब ABS होती है तो बेसिकली इसको सुपर मोटो ABS कहा जाता है। और फ्रेंड्स जहां तक बात है फ्रंट ब्रेकिंग सिस्टम का तो मैं आप लोगों को बता दूं फ्रंट में आपको 270mm का पेडल डिस्क मिल जाता है। जी हां फ्रेंड्स, नॉर्मल डिस्क नहीं है, पेडल डिस्क का मतलब जब आप ब्रेकिंग करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट जनरेट होता है डिस्क में, और अगर पेडल डिस्क है तो जो हीट जनरेट होता है उसको डिसिपेट करने में पेडल डिस्क बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको 270mm का पेडल डिस्क मिल जाता है। यहां पर आप ABS का रिंग देख पा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं यहां पर एक कैलिपर भी दिया गया है। और यहां पर अगर सस्पेंशन सिस्टम की बात की जाए फ्रेंड्स फ्रंट में तो आप लोगों को बता दूं यहां पर आपको टेलीस्कोपिक फोक मिलता है विद दिस फोक प्रोटेक्टर, तो ये बहुत खास चीज दी गई है। अगर इसके जो कंपटीटर है NS160 से अगर कंपेयर किया जाए तो फ्रेंड्स फ्रंट में जो सेटअप मिलता है वो आपको बिल्कुल सिमिलरली देखने को मिलता है। और चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं हार्ट ऑफ TVS Apache RTR 164V RM वर्जन, मतलब विथ राइडिंग मोड्स वाली जो वर्जन है। ये वाली जो आप बाइक देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, इंजन के बारे में अगर बात की जाए तो यहां पर आपको 159.7 cc सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड 4-valve इंजन मिल जाता है। और वहीं फ्रेंड्स अगर पावर और टॉर्क की बात की जाए तो यहां पर आपको 9250 RPM पे 17.63 PS का पावर मिल जाता है, और वहीं टॉर्क की अगर बात की जाए तो 7250 RPM पे आपको 14.73 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि ये ऑयल कूल्ड इंजन है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऑयल कूलिंग के लिए यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर ये रेडिएटर दिया गया है। मेरे ख्याल से आप लोग कैमरा में इसको सही तरीके से जस्टिफाई हो पा रही है। तो फ्रेंड्स ये ऑयल कूल्ड इंजन है, ठीक है, मतलब फॉर बेटर कूलिंग ऑफ द इंजन यहाँ पर ऑयल कूलिंग का इस्तेमाल किया गया है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं अगर आप इस इंजन को इसकी जो टॉप कंपटीटर है उसके साथ अगर कंपेयर करते हैं, मतलब NS160 के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो ऑन मतलब अगर आप चला के देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ राइडिंग डिफरेंस पता नहीं चलेगा, मतलब राइडिंग एक्सपीरियंस में आपको बहुत कुछ फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन ऑन पेन पेपर ये मोस्ट पावरफुल इंजन इन इट्स सेगमेंट है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इसको 160 से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर आपको 0.4 PS का पावर कम मिलता है और 0.13 न्यूटन मीटर का आपको उसमें टॉर्क कम मिलता है। तो फ्रेंड्स मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ऑन पेपर देखते हैं तो ये मोस्ट पावरफुल इंजन इन इट्स सेगमेंट है। तो ये फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को इंजन के बारे में बता दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हाइपरेज लिखा गया है। इसकी अगर मैं क्वालिटी के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की यहाँ पर आपको इंजन कावल मिल जाती है। और फ्रेंड्स पीछे अगर यहाँ पर आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं ये एक मतलब एक मशीन गन टाइप का यहाँ पर आपको ये एग्जॉस्ट मिल जाता है, देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब पूरी तरीके से इसको ब्लैक कर दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मैट फिनिश में ब्लैक कलर में दिया गया है। और ये एग्जॉस्ट गार्ड भी आप देख सकते हैं ये मेटल की है, इसको भी मतलब एक मैट फिनिश में दिया गया, ब्लैक मैट फिनिश में। और मैं आप लोगों को इसका जो रियर सेक्शन है वो दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं डुअल बैरल एग्जॉस्ट यहां पर दिया जा रहा है। फ्रेंड्स ये एग्जॉस्ट साउंड कैसे करती है मैं आप लोगों को आगे रिव्यू के दौरान सुनाना बिल्कुल पसंद करूंगा। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स अगर इसकी रियर जो सेक्शन है, मतलब मैं बेसिकली टायर की बात करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, तो इसमें चेंज है। जी हां फ्रेंड्स, अब चेंज क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले ये रेडियल टायर नहीं हुआ करती थी, अब ये रेडियल टायर है। तो फ्रेंड्स रेडियल टायर से होता ही है मतलब जो आपकी टायर और रोड की जो ग्रिप है वो रेडियल टायर में बहुत बेहतर बन जाती है। तो फ्रेंड्स जहां तक सेक्शन की बात है मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा 130x70 सेक्शन के आपको यहां पर टायर मिल जाती है। और जहां तक बात है अलॉय व्हील की तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर अब भी आपको 17 इंचेस की ही अलॉय व्हील मिल रही है। और फ्रेंड्स जहां तक बात है ये रियर ब्रेकिंग का तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर आपको कोई ABS नहीं मिल रही है क्योंकि सिंगल चैनल ABS यहां पर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपको एक कैलिपर मिल जाता है, और यहां पर आप ये डिस्क देख पा रहे हैं ये 200mm की
डिस्क यहाँ पर आपको दी गई है। तो फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर टायर की बात करूँ तो मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा NS160 से अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो सेटअप आपको यहाँ पर मिल रही है वो NS160 से आप कहीं ना कहीं ये थोड़ी बेहतर आपको मिल जाती है। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है रियर सस्पेंशन की तो आप लोगों को बताना चाहूँगा यहाँ पर आपको जापान मेड सुवा मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाती है जिसकी जो परफॉर्मेंस है पहले भी बहुत बढ़िया थी और आशा करते हैं कि अब भी इसकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो आप लोगों को बेहतर दिखेगी। फ्रेंड्स भैया अगर आप इसकी बिल्कुल रियर सेक्शन देखते हैं तो यहाँ पर आपको ये टायर अगर मिल जाती है और मैं एक बार गाड़ी को ऑन करना चाहूँगा ताकि मैं आप लोगों को इसका जो टेल लैंप है वो दिखा सकूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब वही पुराने वाला ही टेल लैंप है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं की गई है। आप देख सकते हैं बहुत खूब यहाँ पर खूबसूरत से टेल लैंप दी गई है। टर्न इंडिकेटर्स फ्रंट और बैक दोनों में अभी भी आप देख सकते हैं हैलोजन की रखी गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नेम प्लेट लगाने के लिए जगह यहाँ पर दी गई है। आप लोग मुझे बिल्कुल बताएगा कि जो टेल लैंप है ये आप लोग को देखने में कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स वहीं अगर मैं इसकी जो ग्रैबरेल है उसकी बात करूँ तो देख सकते हैं बैटमैन से इंस्पायर्ड ये जो ग्रैबरेल लगती है मुझे देखने, आप लोग बिल्कुल बताएगा कि डिज़ाइन आपको ग्रैबरेल की कैसी लग रही है। ये बहुत स्टडी है मतलब क्वालिटी वाइज बहुत बेहतर है। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है इसकी लेफ्ट सेक्शन की, सबसे पहले यहाँ पर जो आपको दिखेगा वो है इसका ये लेग गार्ड या फिर आप इसको साड़ी गार्ड भी कह सकते हैं। और मतलब इसकी जो क्वालिटी है फ्रेंड्स बहुत बेहतर है, मतलब मैं कहना चाहूँगा इसकी जो क्वालिटी है इसमें आपको कोई शिकायत नहीं होगी। और जहाँ तक बात है फ्रेंड्स यहाँ पर ये चेन सिस्टम का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम दिया जाता है और लेकिन देखिए बिल्कुल ये ओपन चेन सिस्टम है लेकिन यहाँ पर ऊपर में चेन को ये जो गार्ड किया जा रहा है ये बहुत लंबा एक गार्ड आपको यहाँ पर दिया जाता है और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 180 mm का यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लियरेंस दिया जा रहा है। फ्रेंड्स जहाँ तक बात है ओपन चेन सिस्टम का, बरसात का मौसम आप समझ सकते हैं आपको अराउंड 300 से 400 किलोमीटर की जो रेंज है उसके बाद आपको अपना जो चेन है उसको क्लीन एंड ल्यूब करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको ओपन चेन सिस्टम दी जा रही है। और चलिए फ्रेंड्स अब थोड़ा और ऊपर आते हैं और बात करते हैं इसके सीट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा सीट काफ़ी स्पेशियस है, सीट में कोई चेंज नहीं है। फ्रेंड्स डिज़ाइन वाइज यहाँ पर आपको कोई चेंज दिखेगा, जहाँ जो आपको पहले भी 164 BHP वर्जन में जो आपको डिज़ाइन मिल जाता था यहाँ पर भी आपको सेम डिज़ाइन मिल रही है। फ्रेंड्स डिज़ाइन वाइज कुछ चेंज नहीं है, फीचर वाइज थोड़ा थोड़ा जगह पर चेंज है जो आप लोगों को अभी रिव्यू के दौरान बता रहा हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स सीट वाइज कोई चेंज नहीं है, सीट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है फॉर बोथ राइडर एंड पिलियन, सीट में आपको कोई तकलीफ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है सीट हाइट की तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 800 mm की आपको यहाँ पर सीट हाइट मिल जाती है। जी हाँ फ्रेंड्स मतलब इसका मतलब ये होता है फ्रेंड्स अगर आपकी हाइट अराउंड 5.6 तक है तो आपको इस बाइक को चलाने में बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करना होगा। और फ्रेंड्स जहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया सीट मतलब इसका जो कंपाउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आप समझ सकते हैं प्रीमियम है। और हाँ अगर आप इसमें लॉन्ग राइड्स वगैरह प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल सही तरीके से इसमें लॉन्ग राइड प्लान कर सकते हैं क्योंकि जो कंपाउंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फेक कार्बन फाइबर वाली फिनिश दी गई है जो कि HP वर्जन में भी आया करती थी। और फ्रेंड्स अगर यहाँ पर टैंक की बात करें तो आप समझ सकते हैं 12 liters का यहाँ पर टैंक दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स आप इसके साथ अराउंड 45+ की जो माइलेज है वो आप इसके साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं एटलीस्ट आफ्टर सेकंड और थर्ड सर्विस। तो ये फ्रेंड्स टैंक के बारे में बात हो गई, आप देख सकते हैं रेस स्पॉट ग्राफिक्स यहाँ पर आपको मिल जाता है। और वहीं अगर मैं टैंक पे यहाँ पर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं RTR 160 का यहाँ पर एक छोटा सा बैजिंग किया गया है 3D में जो कि इसकी जो एक प्रीमियमनेस है उसको और बढ़ा देती है। और फ्रेंड्स चलिए अब बात करते हैं इसकी मेन डिफरेंस में। जी हाँ फ्रेंड्स राइडिंग मोड मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है शुरू में, पहले फ्रेंड्स राइडिंग मोड्स में आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये राइट हैंडल बार में यहाँ पर ये मोड का एक बटन दिया गया। अब देखिए यहाँ पर अभी यहाँ पर आप नज़र डालिएगा फ्रेंड्स यहाँ पर अभी ये अर्बन मोड में है तो यहाँ पर टोटल आपको 3 मोड दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए जैसे आप मोड यहाँ पर ये जो मोड बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले जैसे कि अर्बन थी अभी ये चली गई है स्पोर्ट मोड में और ये दोबारा देखिए अभी आ जाएगी रेन मोड में, दोबारा प्रेस किया तो यहाँ पर ये चली जाती है स्पोर्ट मोड में। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूँ रेन और जो अर्बन मोड है वहाँ पर आपको जो माइलेज है वो मैक्सिमम मिलेगा और जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में जैसे ही आप स्विच करते हैं तो आपको जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल जाता है। और फ्रेंड्स ये मैंने आपको जो 3 मोड है उसके बारे में बता दिया है। और चलिए सब फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका जो टोटल ये जो मीटर कंसोल उसके बारे में बता दूं। फ्रेंड्स ये इसमें जो स्पेशल एडिशन आ रही है और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, ये जो मीटर कंसोल है फ्रेंड्स इसमें आपको दो चीज़ देखने को नहीं मिलेगा जो आपको स्पेशल एडिशन में देखने को मिलता है वो है इसका कलर। आप देख सकते हैं एक येलोइश कलर का यहाँ पर आपको बल्ब मतलब लाइट देखने को मिल जाता है और आपको यहाँ पर जो गियर पोजीशन इंडिकेटर है वो देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ जब जैसे ही आप इसमें जो स्पेशल एडिशन है उसमें स्विच करते हैं आपको इसमें पूरी तरीके से जो 204B का है जो फील है वो आपको देखने को मिल जाता है। प्लस उसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्शन भी मिल जाता है, मतलब स्मार्ट कनेक्ट के साथ अगर आप इसमें ऐप के साथ अगर आप इसको जोड़ते हैं तो आप जो नेविगेशन वगैरह है वो भी इसमें आप एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो देखने को मिल जाता है मैं आप लोगों को पहले वो बताना चाहूँगा। देखिए जैसे ही आप मैं एक बार इसको जो ऑफ है ऑफ़ करना चाहूँगा दोबारा, जैसे देखिए
आप जैसे ही करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं पूरा एक स्वाइप मारती है, काफ़ी ज़्यादा देखने में खूबसूरत है। आपको यहाँ पर जो दिख जाती है सबसे पहले वो है टैकोमीटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम आपको दिखने को मिल जा रहा है, यहाँ पर आपको स्पीडो देखने को मिलता है, यहाँ पर कितना फ्यूल है मतलब फ्यूल गेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, कौन से मोड में आप है मतलब राइडिंग मोड में है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और आपने कितना क्लॉक किया हुआ है ऑडो में वो आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और फ्रेंड्स आप देखिए आपको यहाँ पर दो बटन देखने को मिलता है, एक है मोड, एक है सिलेक्ट। जैसे आप मोड का इस्तेमाल करते हैं आप यहाँ पर नज़र डालिएगा, जैसे आप मोड सेलेक्ट करते हैं ट्रिप वन यहाँ पर आ जाता है, दोबारा करने से ट्रिप टू यहाँ पर आ गया, और जैसे आप दोबारा प्रेस करते हैं तो अभी तक का आपका जो हाई स्पीड है वो यहाँ पर दिख जाता है, और साथ ही 60 किलोमीटर पर आर की जो स्पीड है वो कितने मिनट्स में आप अचीव कर सकते हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाता है। तो ये हो गया फ्रेंड्स इसके मोड के बारे में, मतलब जो मीटर कंसोल है वो मैंने आपको बता दिया है। आप लोग बिल्कुल बताइएगा कि आप लोगों को ये मीटर कंसोल देखने में कैसी लगती है। और साथ ही अगर थोड़े नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इंजन चेकलाइट आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ABS वगैरह का जो सिग्नल है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है, TVS की यहाँ पर छोटी सी ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आप जो न्यूट्रल सेंसर है वो देखने को आपको मिल जाता है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फ्यूल मीटर है उसका भी एक इंडिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और चलिए फ्रेंड्स अब जो हैंडल बार है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंडल बार से शुरू की जाए फ्रेंड्स तो आप लोगों को बताना चाहूँगा स्पेशल एडिशन में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ये जो आप समझ सकते हैं ये जो लीवर्स है वो भी एडजस्ट करने का आपको एक ऑप्शन दिया जाता है। फ्रेंड्स उसके बारे में बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक रिव्यू बहुत जल्द इस चैनल पर आप लोगों को देखने का मिलेगा। तो अब अगर आप चैनल पर न्यू है फ्रेंड्स तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुँच सके। फ्रेंड्स अगर लेफ्ट हैंडल बार की बात की जाए तो चेंजेस इसमें बिल्कुल कुछ नहीं है फ्रेंड्स, सेम ही है जैसे आपको 164 BHP वर्जन में मिला करती थी। यहाँ पर देखिए आपको पास लाइट की स्विच मिल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हाई बीम और लो बीम का आपको स्विच मिल जाता है, थोड़ा अगर आप साइड में आते हैं तो यहाँ नीचे अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको टर्न सिग्नल्स के लिए स्विच मिल जाती है, आप देख सकते हैं वहाँ पर इंडिकेट हो रही है, और जैसे ही आप थोड़े और नीचे आते हैं यहाँ पर आपको ये हॉर्न का स्विच मिलता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हॉर्न साउंड कैसे करती है, बहुत बढ़िया साउंड है फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी हॉर्न इज़ वेरी गुड वेरी लाउड। और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है राइट हैंडल बार की तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको जो यहाँ पर दिख जाती है वो है किल स्विच, ये ऑन ऑफ करने के लिए किल स्विच यहाँ पर दिया गया है। मोड जैसे मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर तीन मोड है, आप इसको यहाँ से स्विच कर सकते हैं। और फ्रेंड्स एक न्यू चीज़ इसमें दी गई है मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखिए यहाँ पर अगर मैं ये देखिए यहाँ पर आप लाइट्स ऑन कर सकते हैं, यहाँ पर DRL ऑन कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये प्रेस किया है आप देखेंगे सामने ये जो DRL है ये जलनी शुरू हो गई है, और अब देखिए जैसे ही मैं इसको ये यहाँ पर इसको अगर मैं लाइट्स ऑन करता हूँ, मतलब बेसिकली आप DRL और लाइट ठीक है मतलब आप एक स्विच से यहाँ पर आप ऑपरेट कर सकते हैं। ये मैंने देखिए अभी इसमें ये लाइट पे मैंने ये वाला जो ऑप्शन है मतलब जो स्विच है उसको मैंने डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं ये इंजन ऑन करता हूँ आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इंजन ऑन करता हूँ आप देखिए ये जो लाइट है आप यहाँ से आपको अभी दिख रही होगी फ्रेंड्स। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर ये लो बीम और हाई बीम इस्तेमाल करता हूँ तो यहाँ पर ये आपको अभी दिख सकती है, ये देखिए जैसे ही मतलब अगर आप वहाँ से अगर आप लाइट ऑन करते हैं मतलब हेडलाइट अगर आप ऑन करते हैं तो अगर आप लो बीम और हाई बीम ऑपरेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हैं। और जैसे ही देखिए मैंने अभी ये देखिए ये आप देख सकते हैं ये अभी लो बीम पे चली गई है, ये देखिए मैंने अभी हाई बीम ऑन कर दिया है, और जैसे ही मैं यहाँ पर इस स्विच का इस्तेमाल करता हूँ आप देख सकते हैं ये देखिए ये ऑफ हो गई। तो आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि इस यहाँ पर ये जो स्विच है इसका इस्तेमाल करके आप DRL और जो हेडलाइट है उसको आप दोनों को ऑपरेट कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा नीचे और आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको इंजन ऑन करने की स्विच मिल जाती है, तो चलिए सुन लेते हैं एग्जॉस्ट नोट कैसी है इस बाइक की। फ्रेंड्स मुझे तो इसमें कोई चेंज नहीं लगी 164 BHP वर्जन में, अगर आप लोगों को कोई चेंज महसूस हो रही है एग्जॉस्ट नोट में तो मुझे बिल्कुल बताइएगा। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जहाँ तक बात है इसकी कर्व वेट की, तो फ्रेंड्स मैं जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि इसमें दो वेरिएंट में मिलती है, एक है डिस्क एक है ड्रम। तो अगर आप ड्रम की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 145 किलो की आपको वहाँ पर कर्व वेट मिल जाती है, और फ्रेंड्स जहाँ तक बात है डिस्क वेरिएंट की मतलब ये वाली जो वेरिएंट है तो इसके लिए आपको 147 किलो की कर्व वेट मिलती है। और फ्रेंड्स मैक्सिमम स्पीड की जहाँ तक बात है कंपनी आपको क्लेम करती है कि 114 किलोमीटर्स पर आर की जो टॉप स्पीड है वो अचीव कर सकते हैं, लेकिन मतलब बहुत सारी कंडीशंस पे ऐसी होती हैं कि आपको अराउंड 130 या 135 किलोमीटर्स पर आर की जो टॉप स्पीड है वो भी आप इसमें अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को इस गाड़ी में मिलने वाली खासियत के बारे में बताना चाहूँगा जो कि है ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। हाँ फ्रेंड्स अब ये है कि मैं आप लोगों को बता दूँ, मान के चलिए आप एक हैवी ट्रैफिक से गुजर रहे हैं तो उस समय आपको आपकी जो थ्रॉटल है क्लच एंड गियर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होता है, तो उस समय क्या होता है आपकी जो माइलेज है वो गिर जाती है गाड़ी की। तो उस समय अगर ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी आपकी गाड़ी में है तो आपको ये खासियत मिल जाती है कि आपको ना क्लच यूज़ करना है ना थ्रॉटल यूज़ करना है ना गियर यूज़ करना है, जिस भी गाड़ी पे मतलब गाड़ी जिस भी गियर पे है आप बिल्कुल थ्रॉटल और क्लच छोड़ दीजिए फ्रेंड्स, आपकी जो गाड़ी है गियर के हिसाब से हल्का हल्का एक्सेलरेट करेगी और आगे बढ़ती रहेगी, उसके हिसाब से फ्रेंड्स क्या होता है आपकी जो माइलेज है
उस मतलब जो ओवरऑल जो एक माइलेज है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो फ्यूल एफिशिएंसी है उसमें आपको एक एनहांसमेंट मिलता है। तो ये था फ्रेंड्स, इसके बारे में पूरी जो डिटेल्स जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। और चलिए अब देख लेते हैं कि क्या आपको TVS Apache RTR 164V राइडिंग मोड्स RM वर्जन खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को जो वॉकराउंड रिव्यू था वो पसंद आया होगा। आपको पता है पसंद आया तो क्या करना है, अपने इस भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के नए नए और इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहता हूँ। और चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं मुद्दे की बात, क्या आपको TVS Apache RTR 164V RM राइडिंग मोड ये वाली जो बाइक है खरीदना चाहिए या नहीं। फ्रेंड्स, अगर कंप्यूटर के बारे में बात करें तो इसकी जो स्ट्रीट कंप्यूटर बनती है वो है NS160। और फ्रेंड्स, अगर आप कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन करेंगे दो क्राइटेरिया पे, एक है प्राइस, एक है स्पेक। प्राइस की अगर बात की जाए फ्रेंड्स, तो NS160 और ये Apache RTR 164V RM ये वाली जो मॉडल है, इससे आपको 2,000 से 4,000 रुपए तक की डिफरेंस दिखेगी, जो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर आप स्पेक्स में अगर आप डिफरेंस देखते हैं तो आपको काफी ज्यादा डिफरेंस दिखेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर इंजन की बात की जाए तो NS160 में आपको 0.43 PS का पावर कम मिलता है, 0.13 न्यूटन मीटर का टॉर्क कम मिलता है, वहाँ पर आपको LED हेडलैम्प का सेटअप नहीं मिलता है, वहाँ पर आपको रियर टायर में रेडियल टायर नहीं मिलता है, जो आपको अपाचे 164V ये वाली जो वर्जन है RM इसमें मिलती है। और टॉप ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इसमें बेहतर चीज़ डाली गई है वो है इसका 3 राइडिंग मोड, जहाँ पर अगर आप इसमें रेन और अगर अर्बन मोड में अगर आप गाड़ी को चलाते हैं तो माइलेज आपको इसमें सबसे ज़्यादा मिलती है, और अगर आप इसको स्पोर्ट मोड में चलाते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलती है, जो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं फ्रेंड्स आपको NS160 में नहीं मिलती है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, NS160 अभी भी एक काफ़ी बेहतरीन बाइक है, आपको उसमें जो हैंडलिंग मिल जाता है बहुत बेहतरीन हैंडलिंग मिलता है, और एक रॉ पावर वाली बाइक आप कह सकते हैं कि NS160 आपको बिल्कुल फील कराती है। तो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स, अगर रॉ पावर वाली बाइक चाहिए, आपको एक बेहतरीन हैंडलिंग वाला बाइक चाहिए, तो बिल्कुल NS160 के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक फीचर रिच बाइक चाहिए और एक ओवरऑल एक अच्छी बाइक चाहिए जो आपको एक अच्छा राइडिंग एक्सपीरियंस दिला सके, तो मेरे ख्याल से आपको TVS Apache RTR 164V ये जो वर्जन है RM राइडिंग मोड्स वाली, ये आपको बिल्कुल खरीदनी चाहिए। फ्रेंड्स, आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।